ये हमारे पास कीपैड का मोबाइल आया है, इसमें मसला ये है कि ये चार्जिंग स्टोर नहीं करता। मैं आपको दिखाता हूँ इस पे ये बैटरी पे कितने वोल्ट दे रहा है। ये देखें, ये बैटरी पे 2.1 वोल्ट दे रहा है, इसको यहाँ पे 4 वोल्ट देने चाहिए। चार्ज स्टोर होने के लिए बैटरी कनेक्टर पे 4 वोल्ट का आना ज़रूरी है। तो इसका मैं आज आपको एक नया सलूशन बताता हूँ। आपने कोई भी पुराना बोर्ड लेना है, उसके ऊपर से उसका चार्जिंग आईसी उतारना है, लेकिन चार्जिंग आईसी उतारने से पहले आपने उसका बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव और चार्जिंग जैक के पॉजिटिव को की कनेक्टिविटी चेक कर लेनी है किस साइड पे है। ये देखें, जैसे ये मैंने आईसी उतारा हुआ है और ये इसकी बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखें, ये इसका बैटरी कनेक्टर का जो लिंक जा रहा है ना आईसी के, यहाँ पे जा रहा है इस पॉइंट पे, और ये चार्जिंग के पॉजिटिव का जो लिंक है वो इस साइड पे जा रहा है। अब आपने आईसी उतारने के बाद इस पे दो वायर लगानी है, एक बैटरी कनेक्टर वाले पॉइंट पे और एक चार्जिंग वाले पॉइंट पे। ये मैंने लगाई हुई है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये आईसी है उसका जो मैंने उतारा हुआ है, ये ऐसे दो वायरें लगानी है आपने। वायरिंग लगाने के बाद जो बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव था ना, ये चार्जिंग जैक के साथ आ रहा है, वो आपने बैटरी कनेक्टर पे लगा देनी है वायर, और चार्जिंग वाले पॉजिटिव की चार्जिंग के पॉजिटिव के ऊपर लगा देनी है आपने। और इसके बाद आपने मीटर से ये जो बाकी पॉइंट हैं आईसी के, यहाँ पे चेक करना है। किसी दूसरे पॉइंट पे अब आपने चेक करना है 4 वोल्ट कहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ नहीं आ रहे, यहाँ भी नहीं आ रहे, यहाँ भी नहीं आ रहे। चार्जर ये देखें, यहाँ पे 4 वोल्ट आ रहे हैं। अब आपने ये करना है कि बैटरी कनेक्टर का जो है ना पॉइंट, जो वायर लगाई हुई है बैटरी कनेक्टर पे, उस वायर को जहाँ पे 4 वोल्ट आ रहे हैं उसके साथ अटैच कर देना है। ये मतलब दोनों पॉइंटों पे आपने वायर को लगाना है। ये वायर लग गई है।
अब चेक करते हैं बैटरी कनेक्टर पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। ये देखिए हम बैटरी कनेक्टर पे 4 वोल्ट आ गए हैं। डायोड वगैरह लगाने से भी मसला हल हो जाता है, लेकिन उसके कुछ नुकसान है, मतलब वो बैटरी को शार्ट करता है, मोबाइल को शार्ट कर देता है, बैटरी टाइमिंग नहीं निकलती उससे। और वैसे ये हमारे पास पागल थी बस यार, रहने दे सही।